इंडियन क्रिकेट टीम ने धोनी की कप्तानी में अब तक दो बार वर्ल्ड कप जीते हैं, एक T20 कप और वहीं दूसरा वनडे वर्ल्ड कप, और ये दोनों ही वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट रहे हैं। ऑलराउंडर युवराज सिंह 2007 में 6 बॉलों में 6 छक्के लगाने वाले युवराज सिंह की इंडियन क्रिकेट टीम में एक अलग ही जगह है। नंबर 4 पे बल्लेबाजी करने आते ही युवराज मैच की डायरेक्शन को ही बदल देते थे, और जब से वो रिटायर्ड हुए हैं, टीम इंडिया की नंबर 4 पोजीशन अब तक नहीं भरी हुई है। इसी पोजीशन के लिए कई खिलाड़ियों को आजमाया गया और कोई भी खरा नहीं उतरा, पर अब लगता है टीम इंडिया का इंतजार खत्म होने वाला है। जी हाँ, इसका यानी सूर्य कुमार यादव के रूप में भारतीय टीम को एक नया युवराज मिलने जा रहा है। चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष रावत और आप देख रहे हैं एंटिक डायरी। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी दे सके। जब भी बात युवराज सिंह की होती है तो युवराज सिंह की वो 2007 की पारी याद आती है, जहां पर T20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के जड़ दिए थे। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में युवराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 गेंदों में 70 रन की पारी खेली थी और भारत को मैच जितवाया था। ऐसे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके नाम पे, जिनको खिलाड़िया पूरा करने का बस सपना ही देखते हैं। नंबर 4 पे खेलते हुए युवराज सिंह इंडिया के लिए एक वरदान साबित होते। जब भी टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म करता था तो वो टीम इंडिया को और ऊंचाई तक लेकर जाते थे, और वहीं जब टीम इंडिया हार रही होती थी तो वो टीम इंडिया को संभालने का काम करते थे। युवराज सिंह ने न सिर्फ केवल अपने बल्ले से धमाल मचाया बल्कि वो विकेट छिटकाने में भी माहिर थे। साल 2011 के वर्ल्ड कप को जीत दिलाने में युवराज सिंह की अहम भूमिका थी, ये बात टीम इंडिया के प्लेयर भी मानते हैं कि 2011 के वर्ल्ड कप को बगैर युवराज सिंह के जीता नहीं जा सकता था। न सिर्फ 2011 बल्कि 2007 से लेकर 2011 तक का टाइम ऐसा था जब इंडियन क्रिकेट टीम बिना युवराज सिंह के कोई भी टूर्नामेंट खेलने की सोच भी नहीं सकते थे। साल 2011 के वर्ल्ड कप में ऑलराउंडर युवराज सिंह ने 362 रन बनाने के अलावा 15 विकेट भी अपने नाम किए, और इसलिए T20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप में युवराज सिंह को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। MS धोनी और युवराज सिंह की पार्टनरशिप ने भी इंडिया को काफी मैच में जीत दिलाई है। जब धोनी और युवराज साथ में बैटिंग करते तो हारती हुई टीम इंडिया को जीत की एक नई उम्मीद मिलती। इन दोनों की पार्टनरशिप को भी लोग बड़ा पसंद किया करते थे। साल 2006 में 13 फरवरी का वो दिन था जब लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान के मैच की सीरीज का तीसरा मैच खेला जा रहा था। तब पहले इनिंग खेलते हुए पाकिस्तान ने 50 ओवर्स में 288 रन बनाए। तब भारतीय टीम में सचिन तेंदुलकर के अलावा कोई भी खिलाड़ी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया और टीम इंडिया जीत की आस छोड़ चुकी थी। तब धोनी और यूवी ने पार्टनरशिप करके 102 रन बनाए और भारत को ये टफ मैच जितवाया। धोनी ने 72 तो युवराज ने 79 रन बनाए। तब इनकी पार्टनरशिप ने इंडिया को जीत दिलवाई। 2011 के वर्ल्ड कप के बाद जब युवराज सिंह को कैंसर डायग्नोस हुआ तो वो अपना इलाज कराने चले गए। 2 साल बाद उन्होंने इंडिया क्रिकेट में वापसी की, लेकिन वो अपना पहला वाला जादू नहीं चला पाए। तब से आज तक इंडियन क्रिकेट टीम की चौथी पोजीशन की जगह खाली है। युवराज सिंह की कमी को पूरा करने के लिए टीम इंडिया ने नए पुराने कुल 18 खिलाड़ियों जैसे MS धोनी, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, दिनेश कार्तिक, विजय शंकर, अंबति राजू को भी आजमाया, लेकिन कोई भी युवराज सिंह की कमी को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन अब टीम इंडिया की उम्मीद को एक नई किरण मिली है। इस उम्मीद की किरण का नाम है स्काई यानी सूर्य कुमार यादव, जिनमें कुछ वैसे समानताएं हैं जैसे युवराज सिंह में थी। बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव का जन्म 14 सितंबर 1990 में हुआ था। इनके पिता अशोक कुमार यादव मुंबई के भावा एटॉमिक रिसोर्सेज सेंटर में एक इंजीनियर है, इसी की वजह से ये 10 साल से मुंबई में रह रहे हैं। इनको क्रिकेट का शौक बचपन से ही था। मुंबई से पहले वे बनारस में अपने चाचा के वहां रहे और चाचा ने ही उन्हें पहली बार हाथों में बल्ला थमाया। इनकी असली क्रिकेट की ट्रेनिंग बेंगस्कर क्रिकेट एकेडमी में हुई थी। उनको कोच चंद्रकांत पंडित थे और अपनी काबिलियत के दम पर इन्होंने मुंबई में डोमेस्टिक मैच खेलना शुरू किया।
और इसके बाद उन्होंने 2012-13 में आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम में भी जगह बना ली और वहाँ ये खास कमाल नहीं कर पाए। फिर उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलने लगे। वहाँ इनका परफॉर्मेंस देखकर उन्हें केकेआर का वाइस कैप्टन बना दिया गया। उनके परफॉर्मेंस ध्यान में रखते हुए साल 2018 में उन्हें फिर से मुंबई इंडियंस ने 3,20,00,000 में खरीद दिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आईपीएल में बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते उन्हें 14 मार्च 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैचेस में इंडिया में शामिल कर लिया गया। अब उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते हुए उनके करोड़ों फैंस हैं और उन पे युवराज सिंह की छवि भी देखते हैं और मानते हैं कि वो युवराज सिंह की जगह ले सकते हैं। हाल ही में हुए एशिया टूर्नामेंट कप में हांगकांग के खिलाफ उन्होंने एक ओवर में 4 छक्के जड़े और उन्होंने लगातार 3 छक्के जड़कर लोगों को हैरान कर दिया और उस समय लोगों को लग रहा था कि वो युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन एक रिकॉर्ड उन्होंने युवराज सिंह का तोड़ दिया। उन्होंने आईसीसी टी20 रैंकिंग में बतौर युवराज सिंह की रैंकिंग ले ली है। इस रैंकिंग में युवराज सिंह 793 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर थे। अब सूर्य कुमार यादव ने 816 पॉइंट प्राप्त करके युवराज सिंह को नंबर 4 पे कर दिया है। सूर्य कुमार युवराज की तरह ऑलराउंडर नहीं है और वो एक राइट हैंड बैट्समैन है, जबकि युवराज सिंह लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे। लेकिन फिर भी उनमें 4 बातें सेम हैं जिससे वे युवराज सिंह का अगला रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। चलिए अब बताते हैं युवराज और उनमें क्या सेम चीजें क्या है जिनसे लोग उन्हें युवराज की जगह देखना चाहते हैं। वह ग्राउंड के हर छोर पर शॉट खेल सकते हैं, जिस तरह युवराज सिंह ऑन साइड और ऑफ साइड दोनों तरह की शॉट खेल सकते थे, उसी तरह सूर्य कुमार ग्राउंड के हर छोर पर शॉट खेलने में सक्षम है, इसलिए सूर्य कुमार को दुनिया मिस्टर 360 बोलने लगी है। दोनों का स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा है। युवराज सिंह इंटरनेशनल टी20 में 137 और वनडे में 88 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते थे। इसमें सूर्य कुमार इनसे आगे हैं। उनका वनडे में 103 और टी20 में 177 स्ट्राइक रेट, पेस और स्पिन दोनों के खिलाफ वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि युवराज सिंह की टेस्ट में स्पिन से थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन वनडे और टी20 में इस चुनौती को वो आसानी से पार कर लेते हैं। वही सूर्य कुमार पेस और स्पिन दोनों के खिलाफ महारत रखते हैं। प्रेशर झेलने में माहिर नंबर 4 बल्लेबाज को प्रेशर झेलना तो आना चाहिए, क्योंकि मिडिल बल्लेबाज के ऊपर टीम की हार जीत डिपेंड करती है। बहुत बार ऐसा होता है जब तक नंबर 4 की पारी आती है तब तक टीम 100 से 150 जैसे सफिशियंट स्कोर बना चुकी होती है। नंबर 4 के बल्लेबाज पे प्रेशर कम होता है, वही टीम के 0 रन पे ही 2 या 3 विकेट गिर जाते हैं। ऐसे में सारी जिम्मेदारी मिडिल बल्लेबाज पे आ जाती है। ऐसे में जिस बल्लेबाज की प्रेशर झेलने की क्षमता होती है वही नंबर 4 पे अच्छे से टेक पाता है। ऐसे में सूर्य कुमार यादव ने मुंबई इंडियंस की तरफ से उन्हें कई प्रेशर वाले मैच में जीत दिलाई है। इन्हीं कुछ बातों से लोगों को लगता है कि युवराज सिंह का उत्तराधिकारी सूर्य कुमार बन सकता है। आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार युवराज सिंह की नंबर 4 बैट्समैन की जगह ले पाएगा? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।